हेलो एवरीवन, पिछली वीडियो तक हमने फाइलम हेमिकोरेटा तक कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग फाइलम कोरेटा के बारे में। देखिए, जो फाइलम कोरेटा के मेंबर्स होते हैं इनके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी पाई जाती है, जैसे कि प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। जितने भी फाइलम कोरेटा के मेंबर्स होंगे एम्ब्रियोनिक कंडीशन में डोर्सली मेसोडर्मली डिराइव्ड एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर पाई जाएगी, और इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे हम लोग नोटो कॉर्ड। उसके अलावा क्या होगा, इनके पास डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड पाई जाएंगी एंड अ पेयर पैरेंजियल गिल स्लिट। तो आप फिगर्स यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपको देखिए फिगर में क्या दिखाया गया आपको नर्व। देखिए सबसे पहले नोटोकॉर्ड इज अ मेसोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन एम्ब्रियोनिक कंडीशन। उसके अलावा यहाँ पे देखिए नर्व कॉर्ड दिखाई गई है, नर्व कॉर्ड होता है। उसके अलावा गिल स्लिट्स पाए जाते हैं जो कि पेयर के फॉर्म में पाए जाते हैं। फायरिंग्स के अंदर गिल स्लिट पाए जाएंगे जो कि पेयर के फॉर्म में होते हैं। उसके अलावा पोस्ट एनल टेल दिखाई गई है। देखिए पोस्ट एनल टेल का मतलब एनस से आया, एनल आया एनस से, पोस्ट का मतलब बाद में, एनस के बाद में जो एनल ओपनिंग होती है उसके बाद एक टेल पाई जाती है, इसको बोलते हैं हम लोग पोस्ट एनल टेल। जो फाइलम कोरेटा के मेंबर्स होते हैं बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलोमेट होते हैं, और इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। अगर आपको ये सारी चीज़ें जाननी है तो मेरे फर्स्ट वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ पर मैंने सब कुछ डिटेल में बताया ये सब। देखिए इनके अंदर पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होती है और इनके अंदर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, मतलब जो ब्लड का फ्लो होगा वो वेजल्स के अंदर होता है, आर्टरीज वेंस एंड कैपिलरीज के अंदर होता है। देखिए बायलेटरल सिमेट्री का मतलब इनको हम एक सेंट्रल एक्सिस से, हम सिर्फ एक ही प्लेन से दो इक्वल हाफ में हम डिवाइड कर सकते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब इनमें थ्री जर्म लेयर पाई जाती हैं, सिलोमेट का मतलब सिलोम प्रेजेंट होगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। देखिए कुछ डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं हम लोग फाइलम कोरेटा और नॉन कोरेटा में। देखिए जो फाइलम कोरेटा के मेंबर्स होते हैं इनके पास नोटोकॉर्ड होगी लेकिन नॉन कोरेटा के पास नोटोकॉर्ड नहीं होगी। इनके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सली होता है कॉर्डेट्स के अंदर, और जो डॉर्सली का मतलब पीछे की तरफ होता है। अगर हम नॉन कॉर्डेट्स की बात करें इनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम वेंट्रल होता है, मतलब आगे की तरफ होता है। और क्या खास बात है, जो कॉर्डेट्स का सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो हॉलो होता है और यहाँ पर सॉलिड होता है, और जो कॉर्डेट्स होते हैं यहाँ पर सिंगल होता है, यहाँ पर डबल होता है। ये सेकेंड डिफ्रेंशिएशन हो गया। अगला है फायरिंग्स परफोरेटेड बाई द गिल स्लिट्स। इनका जो फायरिंग्स होता है उनमें गिल स्लिट्स पाए जाते हैं, और यहाँ पर जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं यहाँ पर गिल स्लिट एबसेंट होते हैं। उसके अलावा फोर्थ हमारे पास हार्ट इज वेंट्रल, हमारा जो हार्ट होता है वो आगे की तरफ होता है, और जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं इनका जो हार्ट होता है वो डोर्सल होता है, मतलब ये पीछे की तरफ होता है। कॉर्डेट्स में हार्ट इज वेंट्रल एंड नॉन कॉर्डेट्स में हार्ट इज डोर्सल। देखिए जो कॉर्डेट्स होंगे के पास पोस्ट एनल टेल पाई जाएगी एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, पोस्ट एनल और कुछ में टेल परसिस्ट कर जाती है और हमारे अंदर टेल खत्म हो जाती है। पोस्ट एनल टेल इज प्रेजेंट और यहाँ पर नॉन कॉर्डेट्स में पोस्ट एनल टेल नहीं पाई जाएगी, तो नॉन कॉर्डेट्स में पोस्ट एनल टेल इज एबसेंट। देखिए फाइलम कोरेटा को फर्दर डिवाइड किया गया थ्री सब फाइला में। थ्री सब फाइला कौन कौन सा है, देखिए यूरोकॉर्डेटा या फिर उसको बोलते हैं हम लोग ट्यूनिकेटा, सिफेलोकॉर्टा और वर्टिब्रेटा। तो फाइलम कॉर्टा को थ्री सब फाइलम में डिवाइड किया गया है। दोबारा देख लीजिए यूरोकॉर्डेटा या फिर बोलेंगे इसको हम ट्यूनिकेटा, दूसरा हमारे पास सिफेलोकॉर्टा और तीसरा हमारे पास वर्टिब्रेटा। देखिए सब फाइला यूरोकॉर्टा एंड सिफेलोकॉर्टा, इनको बोलते हैं हम लोग प्रोटोकॉर्डेटा, ऑफन अक्सर हम इनको रेफर करते हैं एज अ प्रोटोकॉर्डेट्स। और ये जो प्रोटोकॉर्डेट्स होते हैं ये एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। एक्सक्लूसिवली मरीन का मतलब ये सिर्फ और सिर्फ खारे पानी में पाए जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ ये ओशन के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं हम लोग एक्सक्लूसिवली मरीन। तो सब फाइला यूरोकॉर्डेटा सिफेलोकॉर्डेटा इन दोनों को मिलाकर हम अक्सर बोल देते हैं प्रोटोकॉर्डेटा, और ये एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। ये जो आपको फिगर दिखाया जा रहा है ये है एसिडिया का जो कि एक यूरोकॉर्डेट है, यूरोकॉर्डेट।
देखिए यूरोकॉर्टा की खास बात क्या होती है, यूरोकॉर्टा में जो नोटोकॉर्ड होता है ये सिर्फ लार्वा के टेल में प्रेजेंट होता है, ये इनके लार्वा के टेल में प्रेजेंट होगा। सिफेरोकॉर्टा में क्या होता है, इनका जो नोटोकॉर्ड होता है ये हेड टू टेल रीजन में पाया जाता है। और खास बात क्या है कि इनकी लाइफ जब तक ये जिंदा रहेंगे तब तक ये परसिस्ट करता है। इन यूरोकॉर्डेटा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन द लार्वल टेल, वाइल इन सिफेलोकॉर्डेटा इट एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड टू टेल रीजन एंड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं यूरोकॉर्डेटा का, एसिडिया, साल्पा एंड डोलियोलम। तो अगर आपको याद करना है तो आप इसको दास से याद कर लीजिएगा, एसिडिया, साल्पा एंड डोलियोलम। सिफेलोकॉर्डेटा का एक ही एग्जाम्पल आपको याद रखना है, ब्रैंकियोस्टोमा, या फिर कॉमन नेम एम्फियोक्सस, या फिर बोलते हैं उसको हम लैंसलेट। तो इसको याद करना चाहेंगे तो लैब से याद कर लीजिएगा, लैंसलेट एम्फियोक्सस ब्रैंकियोस्टोमा। तो ये आपका, ये इनका साइंटिफिक नेम है। द मेंबर्स ऑफ सब फाइलम वर्टेब्रेटा पजेस नोटोकॉर्ड, और इनके अंदर जो नोटोकॉर्ड पाया जाएगा वो पाया जाएगा सिर्फ और सिर्फ एम्ब्रियोनिक पीरियड में। तो ये खास बात है। देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं इनका, हमने देखा कि जो यूरोकॉर्टा में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है सिर्फ लार्वा के टेल में प्रेजेंट होती है, सिफेलोकॉर्टा में जो प्रेजेंट होती है वो हेड टू टेल रीजन में पाई जाती है, और ये पूरे लाइफ लाइफ टाइम तक ये परसिस्ट करती है। और जो वर्टेब्रेटा के मेंबर्स होते हैं इनके अंदर नोटोकॉर्ड सिर्फ एम्ब्रियोनिक कंडीशन में पाई जाएगी, और ये जो नोटोकॉर्ड होता है ये बाद में रिप्लेस हो जाती है कार्टिलेजिनस या फिर बोनी वर्टेब्रल कॉलम में, मतलब एडल्ट के अंदर जो नोटोकॉर्ड होती है ये रिप्लेस हो जाती है कार्टिलेज का बना हुआ या फिर बोन का बना हुआ वर्टेब्रल कॉलम में। द नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाई अ कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टेब्रल कॉलम इन एडल्ट। इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि ऑल वर्टेब्रेट्स आर कॉर्डेट्स, मतलब वर्टेब्रेट्स के अंदर जितने भी ऑर्गेजम्स आएंगे सब कॉर्डेट्स हैं, लेकिन सभी कॉर्डेट्स वर्टेब्रेट नहीं है। देखिए कॉर्डेट्स आपने तीन पढ़ा, कौन कौन सा, ट्यूनिकेटा, ट्यूनिकेटा, उसके अलावा आपने पढ़ा सिफेलोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, फिर आपने पढ़ा वर्टेब्रेटा। तीन सब फाइलम में आपने पढ़ा था वर्टेब्रेटा। देखिए वर्टेब्रेटा में आने वाले मेंबर सभी मेंबर कॉर्डेट्स तो हैं, लेकिन सभी कॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स में जितने भी एनिमल आएंगे सब वर्टिब्रेट नहीं है। हो सकता है कुछ ट्यूनिकेटा के मेंबर हो सकता है कुछ सिफेलोकॉर्टा के मेंबर हो, इसलिए हम कह सकते हैं कि वर्टिब्रेटा में आने वाले जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं सब कॉर्डेट्स हैं, लेकिन सभी कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट नहीं है। कुछ ट्यूनिकेट हो सकते हैं, कुछ सिफेलोकॉर्डेट हो सकते हैं। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। देखिए कुछ बेसिक कैरेक्टर के अलावा वर्टिब्रेट्स में जो हार्ट होता है, हमने पढ़ा कि इनका जो हार्ट होता है वो वेंट्रल होता है और मस्कुलर होता है। मस्कुलर का मतलब इनका हार्ट मसल्स का बना होता है। जैसे अगर हम अपनी बात करें तो हमारा जो हार्ट बना होता है वहाँ पर कौन सी मसल होती है, वहाँ पर होती है कार्डियक मसल्स। तो इनका जो हार्ट होता है इनमें दो चैम्बर हो सकते हैं, तीन चैम्बर या फिर चार चैम्बर। देखिए दो चैम्बर का मतलब इनका जो हार्ट होगा इसमें दो कमरे भरे होंगे, एक होगा ऑरिकल या फिर बोलेंगे एक होगा एट्रियम, दूसरा होगा वेंट्रिकल। अगर तीन चैम्बर होंगे मतलब अगर इनमें तीन कमरे होंगे तो क्या होगा, दो एट्रियम होगा और एक वेंट्रिकल होगा। अगर चार चैम्बर होगा मतलब इनके हार्ट में अगर चार कमरे पाए जाएंगे तो इन चार कमरों में से दो एट्रियम होता है और दो वेंट्रिकल होता है। तो बिसाइड्स बेसिक कैरेक्ट कॉर्डेट कैरेक्टर्स वर्टेब्रेट्स हैव अ वेंट्रल मस्कुलर हार्ट विद टू थ्री और फोर चैम्बर्स। इनके अंदर किडनी पाई जाती है एस्क्रेशन के लिए, जैसे कि हमारे अंदर किडनी प्रेजेंट है, एस्क्रेशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब ये बॉडी के अंदर से आयंस के, इलेक्ट्रोलाइट और वाटर के कंसेंट्रेशन को ये मेंटेन करते हैं। इनके अंदर पेयर्ड अपेंडेजेस पाए जाएंगे
और ये हो सकते हैं फिन्स एंड लिम्ब्स के फॉर्म में। पेयर अपेंडेजेस का मतलब इनके अंदर हाथ और पैर पाए जाते हैं जो कि पेयर के फॉर्म में पाए जाते हैं। ये हो सकता है चाहे तो फिन्स हो सकता है अगर मछलियाँ होंगी या फिशेज होंगी तो उनके अंदर फिन्स पाया जाएगा पेयर के फॉर्म में। और लिम्ब्स जैसे कि हमारे अंदर दो हाथ है दो पैर है तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे अपेंडेजेस है वो पेयर के फॉर्म में है, लिम्ब्स पाए जाएंगे। देखिए जो सब फाइलम वर्टेब्रेटा है इसको फर्दर डिवाइड किया जाता है दो डिवीजन में, एग्नेथा एंड नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा में हम उनको रखते हैं जिनके अंदर जॉ एब्सेंट होते हैं, मतलब जिनके अंदर जॉस नहीं पाए जाते हैं, एग्नेथा लैक्स जॉ। जो नेथोस्टोमेटा के मेंबर होते हैं इनके अंदर जॉ प्रेजेंट होता है। तो इनकी दो डिवीजन हो गए एग्नेथा एंड नेथोस्टोमा। तो जितने भी बिना जबड़े वाले हैं जिनके अंदर जॉ नहीं होता है उनको हमने उठा कर रख दिया एग्नेथा में, और जिनके अंदर जॉ प्रेजेंट होता है उनको हमने उठा करके रख दिया नेथोस्टोमेटा में। देखिए अब टोटल हमारे पास 7 क्लास हैं। एग्नेथा में सिर्फ एक क्लास है जिसका नाम है साइक्लोस्टोमेटा, और जो नेथोस्टोमेटा इनमें दो सुपर क्लास है पिसेस एंड टेट्रापोडा। देखिए जो हमने पढ़ा था कि जो अपेंडिसेस होते हैं यहाँ पे वो पेयर के फॉर्म में होते हैं, वो हो सकते हैं चाहे तो फिन्स चाहे तो लिम्ब्स। तो जहाँ फिन्स पाई जा रही है इनको उठा कर रख दिया हमने पिसेस में, और जहाँ पर लिम्ब्स पाए जा रहे हैं इनको उठा करके रख दिया हमने टेट्रापोडा में, टेट्रापोडा सुपर क्लास में। तो टेट्रा का मतलब क्या होता है फोर, पोडा का मतलब क्या हुआ अपेंडेजेस, मतलब जिनके पास चार अपेंडेजेस हैं उनको उठा कर रखेंगे हम लोग टेट्रापोडा में। देखिए जो पीसेज हैं इनकी दो क्लास है कॉन्ट्रैक्टिस एंड ऑस्टिक्थिस, और जो टेट्रापोडा है इनकी चार क्लास है एम्फीबिया रेप्टिलिया एओस एंड मैमल्स। तो हम यहाँ से अब एक एक क्लास के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग साइक्लोस्टोमेटा के बारे में। क्लास साइक्लोस्टोमेटा में आने वाले जितने भी मेंबर्स होंगे ये होते हैं एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट ऑन सम फिशेज मतलब ये फिश के बॉडी सरफेस पर पैरासाइट के फॉर्म में रहते हैं, कुछ फिश के बॉडी सरफेस पर ये पैरासाइट के फॉर्म में रहते हैं, तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग एक्टोपैरासाइट। ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ क्लास साइक्लोस्टोमेटा आर एक्टोपैरासाइट ऑन सम फिशेज। इनकी जो बॉडी होती है वो इलोंगेटेड होती है, आप फिगर में देख सकते हैं कि इनकी बॉडी इलोंगेटेड होती है, और इनके अंदर 6 से 15 पेयर मतलब 6 to 15 पेयर्स गिल स्लिट पाए जाते हैं, और गिल स्लिट का काम क्या है रेस्पायरेशन करना, तो ये रेस्पायरेशन करने में हेल्प करते हैं। दे हैव इलोंगेटेड बॉडी बियरिंग 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट फॉर रेस्पायरेशन। देखिए जो इनका माउथ होता है वो सर्कुलर होता है और सकिंग होता है, सकिंग का मतलब चूसने वाला। साइक्लोस्टोम्स हैव सकिंग एंड सर्कुलर माउथ, और हम जानते हैं कि इनको रखा गया एग्नेथा में, क्यों, क्योंकि इनके अंदर जॉस एब्सेंट होता है विदाउट जॉस। साइक्लोस्टोम्स हैव सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉ। इनकी बॉडी पर स्केल्स एब्सेंट हो जैसा कि आप मछलियों में देखते हैं क्योंकि बॉडी पर स्केल्स पाई जाती हैं इस तरह से, लेकिन यहाँ पर स्केल्स एब्सेंट होती हैं। और हमने देखा कि जो फिशेस होती हैं फिन्स होते हैं वो पेयर के फॉर्म में होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो फिन्स होता है वो पेयर के फॉर्म में नहीं होता है। तो देयर बॉडी इज डिवाइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स। देखिए इनका जो क्रेनियम होता है, क्रेनियम क्या होता है ब्रेन बॉक्स, क्रेनियम को बोलते हैं हम लोग ब्रेन बॉक्स। और वर्टेब्रल कॉलम जो इनका होता है वो कार्टिलेजिनस होता है, मतलब ये कार्टिलेज का बना होता है, क्रेनियम एंड वर्टेब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनस। इनके अंदर क्लोज टाइप का सर्कुलेशन पाया जाता है, सर्कुलेशन इज क्लोज टाइप। देखिए जितने भी मेंबर्स हैं कॉर्डेटा के सबके अंदर क्लोज टाइप का सर्कुलेशन पाया जाएगा, तो कुछ याद ही नहीं करना है यहाँ पे, सर्कुलेशन इज ऑफ क्लोज टाइप। देखिए जो साइक्लोस्टोम्स के मेंबर होते हैं ये मरीन होते हैं, मतलब ये समुद्र के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन अगर इनको स्पॉनिंग करना हो मतलब अगर इनको अंडे देना हो तो ये माइग्रेट करके जाते हैं फ्रेश वाटर में, बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर। लेकिन अंडे देने के बाद क्या होता है कि जब ये अंडा दे लेते हैं कुछ ही दिन के बाद इनकी डेथ हो जाती है आफ्टर स्पॉनिंग विद इन अ फ्यू डेज दे डाई। तो साइक्लोस्टोमेटा मरीन होते हैं, ये स्पॉनिंग करने के लिए फ्रेश वाटर में माइग्रेट करते हैं, और जब स्पॉनिंग हो जाती है तो स्पॉनिंग के कुछ ही दिनों के बाद इनकी डेथ हो जाती है। देखिए इनका जो लार्वा होता है मेटामार्फोस करने के बाद, मेटामार्फोसिस करने के बाद ये ओशियन में रिटर्न हो जाते हैं, देयर लार्वा आफ्टर मेटामार्फोसिस रिटर्न टू द ओशियन।
एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि इनका जो एग्जाम्पल है वो है पेट्रोमाइसोन, कॉमनली बोलते हैं हम उनको लैम्प्रे, और दूसरा एग्जाम्पल है मिक्सिन हैग फिश। देखिए ये जो फिगर आपको दिखाया जा रहा है ये है पेट्रोमाइसोन का, पेट्रोमाइसोन। देखिए जो पेट्रोमाइसोन का लार्वा होता है इसका नाम है अमोसीट, तो पेट्रोमाइसोन के लार्वा को हम बोलते हैं अमोसीट लार्वा, पेट्रोमाइसोन इज कॉल्ड अमोसीट। लेकिन मिक्सिन में लार्वा नहीं पाया जाता है, इन मिक्सिन लार्वा इज नॉट फाउंड। चलिए हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं एक बार। हमने क्या पढ़ा कि जो फाइलम कॉर्डेटा के मेंबर्स होते हैं इनको फंडामेंटली कैरेक्टराइज किया जाता है ऑन बाय द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, इनके अंदर नोटोकॉर्ड पाई जाएगी, डोर्सल हॉलबो नर्व कार्ड पाई जाती है, पेयर्ड फरेंजियल गिल स्लिट पाए जाते हैं, और उसके अलावा पोस्ट एनल टेल पाई जाती है। ये बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सीडोमेट होते हैं, और इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। इनके अंदर पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होती है और इनके अंदर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। फिर हमने डिफ्रेंशिएट किया था, कॉर्डेट्स होते हैं इनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा लेकिन नॉन कॉर्डेट्स के पास नोटोकॉर्ड नहीं होगा। जो कॉर्डेट्स होते हैं इनके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम डोर्सली होता है, हॉलो होता है और सिंगल होता है, और नॉन कॉर्डेट्स का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा ये होता है वेंट्रल, सॉलिड होता है और डबल होता है। फायरिंग्स में गिल स्लिट पाई जाएंगी और इनके पास गिल स्लिट एबसेंट होती हैं। जो कॉर्डेट्स होते हैं इनका हार्ट वेंट्रल होता है, और जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं इनका हार्ट डोर्सल होता है अगर प्रेजेंट होगा, और कॉर्डेट्स में पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होती है, नॉन कॉर्डेट्स में पोस्ट एनल टेल एबसेंट होती है। फाइलम कॉर्डेटा को फर्दर थ्री सब फाइलम में डिवाइड किया गया है, यूरोकॉर्डेटा या फिर बोलते हैं इसको हम ट्यूनिकेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टेब्रेटा। देखिए जो सब फाइला यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा है इसको हम बोलते हैं प्रोटोकॉर्डेटा, और ये एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। यूरोकॉर्डेटा में जो नोटोकॉर्ड होती है सिर्फ लार्वा के टेल में प्रेजेंट होती है, बल्कि सिफेलोकॉर्डेटा में जो नोटोकॉर्ड होती है एक्सटेंड करती है हेड से लेकर टेल तक, और ये पूरे लाइफ टाइम तक परसिस्ट करती है। एग्जाम्पल था यूरोकॉर्डेटा का एसिडिया साल्पा डोलियोलम, सिफेलोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल था ब्रैंकियोस्टोमा या फिर बोलते हैं इसको हम एम्फियोक्सस और लैंसलेट। जो सब फाइलम वर्टिब्रेटा के मेंबर्स होते हैं इनके पास नोटोकॉर्ड पाई जाएगी एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, लेकिन एडल्ट फॉर्म में क्या होता है कि जो ये नोटोकॉर्ड होती है ये कार्टिलेजिनस या फिर बोनी वर्टेब्रल कॉलम से ये रिप्लेस हो जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं सभी कॉर्डेट्स होते हैं, लेकिन सभी कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट नहीं होते हैं। वर्टिब्रेट्स के अंदर वेंट्रल मस्कुलर हार्ट पाया जाता है जो कि टू चैम्बर्ड, थ्री चैम्बर्ड और फोर चैम्बर्ड हो सकता है, किडनी पाई जाती है एक्सक्रेशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन के लिए, पेयर्ड अपेंडेजेस पाए जाएंगे जो कि फिन्स या फिर लिम्स के फॉर्म में हो सकते हैं। फिर हमने पढ़ा था जो फाइलम वर्टिब्रेटा है इसको फर्दर डिवाइड किया जाता है दो डिवीजन में, एग्नेथा एंड नेथोस्टोमेटा, जिनके अंदर जॉस पाया जाएगा उनको रखेंगे हम लोग नेथोस्टोमेटा में, और जिनके अंदर जो एब्सेंट होगा उनको रखेंगे हम लोग एग्नेथा में। तो एग्नेथा में एक ही क्लास है साइक्लोस्टोमेटा, नेथोस्टोमेटा में दो सुपर क्लास है, जिनके अंदर फिन्स पाया जाता है उनको रखेंगे हम लोग पिसेस में, और जिनके अंदर लिम्स पाए जाते हैं उनको रखेंगे हम लोग टेट्राकोडा में। देखिए जो पीसेस की दो क्लास है कॉन्ट्रक्टिस एंड ऑस्टेक्थिस, और टेट्राकोडा की चार क्लास है एम्फीबिया रेप्टेलिया एवज एंड मैमल्स। तो सबसे पहले हमने पढ़ा साइक्लोस्टोमेटा के बारे में, साइक्लोस्टोमेटा के सभी लिविंग मेंबर्स एक्टोपैरासाइट होते हैं कुछ फिशेस पर, और इनकी बॉडी इलांगेटेड होती है, 6 से 15 पेयर गिल स्लिट पाए जाते हैं रेस्पायरेशन के लिए, इनका जो माउथ होता है वो सकिंग या सर्कुलर होता है, और इनके अंदर जॉ नहीं पाए जाते हैं, बॉडी के ऊपर कोई भी स्केल्स नहीं होगा, और फिन जो होगी वो पेयर के फॉर्म में नहीं पाई जाती है। क्रेनियम और वर्टेब्रल कॉलम इनका कार्टिलेज का बना होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप होता है। देखिए स्पॉनिंग करने के लिए जो साइक्लोस्टोम्स होते हैं ये मरीन होते हैं, लेकिन स्पॉनिंग करने के लिए ये फ्रेश वाटर में माइग्रेट करते हैं, लेकिन स्पॉनिंग के बाद इनकी कुछ ही दिनों में डेथ हो जाती है। इनका जो लार्वा होता है मेटामॉर्फोसिस के बाद रिटर्न कर जाता है ओशियन में। एग्जाम्पल है इनका पेट्रोमाइसोन जिसको बोलते हैं हम लोग कॉमनली लैम्प्री, मैगजीन जिसको कॉमनली बोलते हैं हम लोग हैग फिश। जो लार्वा होता है पेट्रोमाइसोन का इसको कहा जाता है अमुसीट, और मिक्सिन में कोई भी लार्वा नहीं पाया जाता है। चलिए बाकी क्लास के बारे में पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।